हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ Redmi K30 के बारे में। इसका लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है दोस्तों। Redmi K30 10 दिसंबर को फाइनली लॉन्च होने वाला है चाइना में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi K30 के डिज़ाइन, स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इसके डिज़ाइन के बारे में दोस्तों। तो बैक की तरफ से आपको प्लास्टिक बॉडी डिज़ाइन देखने को मिलेगा विद ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ। साथ ही पीछे की तरफ से क्वाड रेयर कैमरा का सेटअप होगा जो कि वर्टिकली प्लेस है, और उसके साइड से आपको सर्कल देखने को मिल जाएगा जिस तरह का डिज़ाइन आपको वन प्लस 70 में भी देखने को मिला है। अब बात करें इसके फ्रंट की तरफ के, तो फ्रंट में आपको Redmi K30 में 6.6 इंच का IPS LCD वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही फ़ोन के राइट साइड से आपको डुअल पंच और नॉच दिया गया है जहाँ पे डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही Redmi K30 जो यहाँ पे 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले के साथ आएगा, और साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके कैमरा के बारे में दोस्तों। तो Redmi K30 का कैमरा जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है दोस्तों। पीछे की तरफ से क्वाड रेयर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा होगा वो आपको 64 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे आपको सोनी का IMX686 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। जो इसका सेकेंड कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का है, और जहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। जो थर्ड कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाएगा। और जो फोर्थ कैमरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही पीछे की तरफ से आपको डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है। बात करें इसके फ्रंट की तरफ में, तो फ्रंट में आपको Redmi K30 में डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है वो आपको 20 मेगापिक्सल का है, और जो सेकेंड कैमरा वो आपको 2 मेगापिक्सल का है। अब बात करें इसके हार्डवेयर के बारे में, तो हमें पहले लग रहा था कि Redmi K30 जो वो आपको Snapdragon 735 वाला चिपसेट के साथ आएगा, बट यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है दोस्तों कि Redmi K30 जो है यहाँ पे आपको Snapdragon का 765G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली क्वालकॉम ने अनाउंस किया है, जहाँ पे आपको 5G कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस चिपसेट में। साथ ही आपको ऑक्टा कोर के 2GHz के प्रोसेसर के साथ आएगा, और एडर्नो का 612 का आपको GPU भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विथ MIUI 11 के साथ। बात करें इसके रैम एंड रोम वेरिएंट के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम, 8GB रैम एंड 12GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB एंड 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसके बैटरी के बारे में दोस्तों, तो Redmi K30 में आपको 4500mAh का बैटरी दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको 30W का फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। साथ ही Redmi K30 जो ये आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है। लॉन्च डेट फाइनली कंफर्म हो चुका है दोस्तों, 10 दिसंबर को ये फाइनली लॉन्च हो जाएगा चाइना में। अब बात करें इसके प्राइस के बारे में दोस्तों, तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो फाइनली कंफर्म नहीं हुआ है दोस्तों, बट लीक के तहत ये बताया जा रहा है कि जो इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा 6GB रैम के साथ जो 128GB वाला इंटरनल स्टोरेज है, इसका प्राइस आपको 22,000 से 24,000 के बीच में ही होगा। तो ये कुछ बातें थे Redmi K30 से रिलेटेड। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एंड्रॉयड एनसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।